अरे सूरज बेटा। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया सर। बेटा हमने एक काम कहा था मैंने तुमसे कि वसुंधरा के लिए कोई अच्छा लड़का हो तो बताना। हाँ चाचा जी, हम देख रहे हैं असल में इधर थोड़ा बिजी थे, कैलाश चाचा की बेटी की शादी थी, परिवार अच्छा हो, अमीर ना हो लेकिन समझदार। क्या हुआ सूरज बेटा, तुम क्या सोचने लगे? हाँ नहीं चाचा जी, हम बताते हैं अगर ऐसा कोई परिवार दिखता है। हम जा रहे हैं बाजार कुछ सामान लाने। ठीक है। हाँ नमस्ते। भला हो सूरज का, उसकी वजह से हम सस्ते में निपट गए, नहीं तो छत का जो हालत था पूछो मत। हाँ जी, अब देखिए ना, इतना सा था जब अपनी सुंदरा के साथ गली में खेला था, लेके ये दीवार सारा कर, और आज देखिए अब बड़ा हो गया है, दीवार का मरम्मत करा रहा। ठीक है, बड़ा ही भला लड़का वो तो है ही, देखना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पूरा गांव वाला उसको यही आशीर्वाद देता है। अरे अपनी बिटिया वसुंधरा, आजकल रोज लालटेन बाड़ने लगी है वो, आजकल बिजली जो रोज जाने लगी। अरे बेटी वसुंधरा, अब देख तेरे मुंह पे करखा लग गया, साफ कर ले बेटा। अरे संतरा क्या है क्या? ये तेरी कौन? आ रहे हैं। अरे सरपंच जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आइए 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 बैठिए। ठीक तो जानते ही हैं, हमने अपने गांव में बलदेव जी के स्वागत के लिए एक समारोह रखा है। हाँ ये तो हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि समारोह काहे रखा जा रहा है। तो ये हम लोगों ने तय किया है जी कि बलदेव जी का स्वागत वसुंधरा बेटिया स्वागत हार पहना कर करेगी। अरे क्या बात है, ये तो वसुंधरा के लिए और हमारे लिए बड़ा ही मान की बात है। जी जैसे उभरते नेता के स्वागत के लिए साहस पुरस्कार विजेता वसुंधरा बेटिया से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। देखिए बलदेव जी गांव के लिए जो भी किए हैं उसके सामने तो कुछ भी नहीं। अब बेटी वसुंधरा तुम कल स्वागत समारोह में चली जाओ, ठीक है बेटिया? ठीक है सरपंच जी। अच्छा तो हम लोग चलते हैं जी। ठीक, नमस्कार।